हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव वायरिंग क्लासिफिकेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वायरिंग की जो टाइप्स, जैसे मैंने आपको ब्रीफ में बताया था, क्लीट, वुडन, केसिंग एंड कैपिंग, लेस शीट, कंडूट एंड CTS वायरिंग। तो आज हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट डज दैट मीन, ये टाइप्स का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली। देखिए, आप यहाँ पे एक अच्छा सा ट्री क्लासिफिकेशन दिया गया है टाइप्स ऑफ वायरिंग का। सबसे पहले है क्लीट, बैटन, केसिंग, कैपिंग एंड कॉन्डूट। तो ये चार तरह की हमारी वायरिंग सिस्टम आती है। तो आप याद रखने के लिए, फॉर योर मेमोरी, आप इसको ऐसे एक कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CBCC, दैट इज़ क्लीट, बैटन, केसिंग एंड कॉन्डूट। एंड देन द बैटन वायरिंग जो हमारे पास, यहाँ बैटन का स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, आई एम सॉरी, BATTEN, हमारा तीन वायरिंग में क्लासीफाई किया गया है, PVC वायरिंग, CTS, TRS और लेड शीट। एंड कॉन्डूट को दो किस्म में किया गया, सरफेस कॉन्डूट एंड कंसील्ड कॉन्डूट, जो मैंने आपको बताया था, जो हम क्या करते हैं, वॉल के अंदर ही वायर को, कॉन्डूट को इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमें दिखता नहीं है, दैट इज़ नॉट विजिबल टू अस, तो उसको हम बोलते हैं कंसील्ड कॉन्डूट, ठीक है, जो छिपा है, वी कैन नॉट सी इट। और सेकेंड इज सरफेस कॉन्डूट, तो सरफेस कॉन्डूट दैट कैन बी सीन, जो वॉल के ऊपर नॉर्मली, जैसे आपके क्लासरूम्स में जो PVC कॉन्डूट्स लगे हैं सरफेस के ऊपर। व्हाट इज क्लीट वायरिंग? तो हमारा ये क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड द चीपेस्ट वन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो क्लीट वायरिंग होती है ये टेम्परेरी इंस्टॉलेशंस में यूज़ किया जाता है। तो वैसे यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड चीपेस्ट, तो ये हमारे पास बहुत सिंपल और चीप मेथड है। चीप इज़ सस्ता और सिंपल इज़ इट कैन बी ईजिली इंस्टॉल। इसमें हम वायरिंग को बहुत ईजिली इंस्टॉल, कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ टाइम हम इसको लगा सकते हैं। सेकेंड इज़ सिंगल कोर PVC केबल्स आर यूज इन दिस टाइप। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ कोर्स इन अ वायर या केबल, जैसे मैंने आपको क्लासरूम में बताया था। तो हमारा पहला क्या है, सिंगल कोर PVC केबल्स आर यूज इन दिस सिस्टम। तो सिंगल कोर हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था, इन्वॉल्विंग ओनली अ सिंगल कंडक्टर एंड देन देर इज़ एन इंसुलेशन ओवर इट। तो वो जो हमारी तारें हैं वो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, क्लीट वायरिंग में, तो टेम्परेरी इंस्टॉलेशंस में। आपने घर पे देखा होगा, आपके घर पे कभी कंस्ट्रक्शन हुई हो, घर की, आपके घर की कंस्ट्रक्शन, उस दौरान हम क्या करते हैं, बाहर लेबर के लिए एक शेड बनाया जाता है जिसमें वो रात को स्टे करते हैं, इफ़ देयर आर लार्ज बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे बाहर शेड बनाया जाता है उनके लिए। अब वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक बल्ब लगा होता है उनका तार से, ओनली फॉर द लाइटिंग पर्पज़, जो रात के टाइम पे उनको रिक्वायर्ड है, उससे एक वायर पास हो रही होती है, उस वायर को हम हुक्स के थ्रू लेके जा रहे हैं और फिर बाहर किसी सप्लाई के साथ हमने अटैच किया हुआ है वायर को, तो दैट हुक्स दैट सर्व एज अ पर्पज़ ऑफ क्लीट्स। तो उसको हम फिर मॉडर्नाइज करते हैं, इनकेस हम उसको अंदर डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो क्लीट्स आर मेड अप ऑफ पॉर्सिलेन एंड हैव टू पार्ट्स, बेस कैप, बेस पीस एंड कैप। तो हमारा ये क्या है, पॉर्सिलेन का बना होता है। अब तो दीज आर मॉडिफाइड इनटू PVC के क्लीट्स आते हैं हमारे पास, आपने देखे होंगे वुडन क्लीट्स आते हैं। तो पॉर्सिलेन क्या है हमारा, पॉर्सिलेन इज बोन चाइना, जैसे आपने देखा होगा जो इंसुलेटर्स आर मेड अप ऑफ पॉर्सिलेन, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल टावर्स पे, हम ट्रांसमिशन लाइंस पे जो इंसुलेटर्स आपने लगाते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर आते हैं, शैकल आता है, स्ट्रेन जो ब्राउन कलर का होता है, यू मस्ट हैव सीन इट, तो वो दैट इज़ पॉर्सिलेन। तो पॉर्सिलेन आपका घर पे भी यूज़ किया जाता है, बोन चाइना है ना, यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं। तो ये क्लीट्स पॉर्सिलेन के बने होते हैं और इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक बेस पीस होता है जिसके अंदर कंडक्टर को रखा जाता है और ऊपर से कैप होता है उसको कवर करने के लिए। When wires are passed on the walls or ceiling, they must be taken through conduit pipes. तो हमारे पास क्या है, जैसे आपका क्लास में क्या होता है, आपका क्लासरूम में क्या है, PVC पाइप्स हमारी जा रही हैं, वायरिंग जा रही है, जो मैंने आपको दिखाया भी है, तो उनको पास करने के लिए, अब हमें ये थोड़ी ना होगा, हमने पाइप एक पूरी छत से लेकर
फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड हमने पाइप लगा दी, वो पाइप टिकेगी कैसे सीलिंग के साथ विद द हेल्प ऑफ क्लीट्स, नो स्मॉल स्मॉल हुक्स, उससे हम पास करके उसको कर रहे हैं. दिस सिस्टम इज़ नॉट यूज इन डैम्प वॉल्स, जिन दीवारों में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पर ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. और वहाँ पर हम सीलिंग्स पे यूज़ नहीं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली छतों पर से पानी आ रहा होता है या वॉल से पानी आ रहा है नमी की वजह से, वहाँ पे हम क्लीट वायरिंग को यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, इट्स लाइफ टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 years. तो इसका जो लाइफ टाइम है, इसका कौन मतलब हम इस पे कितना डिपेंड कर सकते हैं, ओनली फॉर 5 years. एडवांटेजेस क्या है, अब किसी भी चीज़ के नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं. तो फ़ायदा क्या है हमारा क्लीट का, ये मटेरियल्स कलेक्टेड आफ्टर रिमूवल इंस्टॉलेशन कैन बी यूज फॉर फर्दर वायरिंग. अब मैंने आपको बताया जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर की, तो घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या क्या नॉर्मली जो लेबर है उसके लिए बाहर शेड बनाए हैं फॉर देयर रेजिडेंशियल पर्पजेज़ कि रात को वो वहाँ रह सके. तो हमने वहाँ उनके लिए बल्ब लगाया फॉर द लाइटिंग पर्पज, नॉर्मल एक तार लगाई है, नॉर्मल टेम्परेरी इंस्टॉलेशन किया जिसको हमें बाद में वो उतारना है व्हेन द वर्क इज़ ओवर. वो लोग वहाँ से जाएंगे, वो शेड हम हटाएंगे तो इंस्टॉलेशन भी हटेगी. अब इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है कि इसमें जो हमारा सामान हम निकालेंगे, द वायर, ठीक है, हम जो उसमें क्लीट्स हैं हमारे वो निकालेंगे, वो हम बाद में भी फर्दर वायरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक्सपेंशन ऑफ वायरिंग इज़ पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके प्रेजेंट का भी हम देखेंगे, फ्यूचर एक्सपेंशन में उसको हम कहाँ, अपने आप एक बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा हम नॉर्मली पिलर्स रखते हैं जिससे सरिया जा रहा है, वो हमने क्यों रखा है, इसको पूरा प्लेन क्यों नहीं किया छत को, ताकि फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द बिल्डिंग, अगर हम इसके ऊपर कोई और हम फ्लोर बनाएं तो हम उसके थ्रू हम वो बना सकें, इट सर्व्स एज अ बेस. तो वैसे ही यहाँ पे वायरिंग की एक्सपेंशन करनी तो उसमें पॉसिबल हो. फॉल्ट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड, तो इसमें हमारे पास जो फॉल्ट है, फॉल्ट कहीं पर आ गया किसी वायर में, उसको हम ईजिली देख सकते हैं क्योंकि ओपन है ना. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लेस सेफ्टी क्योंकि इट इज़ ओपन, तो हमें इसमें बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस देखने हैं, खतरा हो सकता है शॉक का. पुअर अपीयरेंस, ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है, एंड कैन नॉट बी यूज़ फॉर परमानेंट इंस्टॉलेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया टेम्परेरी इंस्टॉलेशन में ही हम यूज़ करेंगे. अब देखिए यहाँ क्लीट वायरिंग की फ़ोटोज़ बताई गई हैं कुछ, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्मल जो क्लीट वुडन क्लीट्स का इस्तेमाल एक पिक्चर में, द पिक्चर हेयर शोइंग वुडन क्लीट जिसमें से देखो हमारे पास वायर पास हो रहा है, वुडन है. सेकंड में हमारे पास आपको ये जो वाइट दिख रहा है ये हमारे पास पीवीसी क्लीट्स आ गए. ठीक है, द नेक्स्ट टाइप इज वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो ट्री था हमारा उसमें मैंने बताया एक केस होता है उसके ऊपर कैप होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम वॉज फेमस वायरिंग सिस्टम इन द पास्ट. तो जो पुराने वक्त में हम केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करते थे. द केबल्स यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ वायरिंग वर ईदर VIR और PVC और एनी अदर इम्प्रूव्ड इंसुलेटेड केबल. जो इसके अंदर हम केबल्स इस्तेमाल करते थे, जो वायर्स इसके थ्रू हम पास करते थे, वो या तो VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबर इंसुलेशन की होती थी, या PVC केबल होते थे पॉलीविनाइल क्लोराइड, या कोई भी अच्छे केबल्स जिनका अच्छा अप्रूव्ड इंसुलेशन है उनके ऊपर. द केबल्स वर कैरिड थ्रू द वुडन केसिंग एनक्लोजर्स. तो हमारे पास क्या है, जो बेस है वो सर्व पर्पज़ करता था वायर को पास कराने के लिए, और उसके ऊपर से फिर एक कैप लगाया जाता था. जैसे आपने देखा होगा आपके आईपॉड्स आते हैं तो उसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं उन पॉड्स को रखने के लिए, है ना, फिर ऊपर से कैप होती है जो बंद कर देता है उसको. वैसा ही कुछ हमारे पास केसिंग एंड कैपिंग. द केसिंग इज़ मेड अप ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ वुड विद पैरेलल ग्रूव्स. तो हमारे पास एक वुड का पीस है जिसमें दो, जैसे आप देखो इमेजिन करो एक वुडन पीस है उसमें से दो पैरेलल लाइंस जा रही है ना, ग्रूव्स. तो ग्रूव्स क्या हो गया, हमने एक पाथ बनाया हुआ है ना, कि उसमें से वायर को पास करें, कट लेंथ वाइज वाइज टू अकोमोडेट VIR केबल्स. द कैपिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड यूज टू कवर द वायर्स. अब हमारे पास वायर को कवर भी करना है तो ऊपर से कैप दी जाती है, एंड द केबल्स इंस्टॉल्ड एंड फिटेड इन द केसिंग. सॉरी.
अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं इस वायरिंग के, जैसे हमने अभी पढ़ा था जो क्लीट वायरिंग के एडवांटेजेस क्या हैं हमारे, कि इजीली हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, आफ्टर इट्स रिमूवल हम उन पार्ट्स को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं वायरिंग, और वो चीप है और सिंपल वे ऑफ वायरिंग। इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो चीप वायरिंग सिस्टम एज़ कम्पेयर टू शीट एंड कॉन्डूट वायरिंग सिस्टम्स। ठीक है, कॉन्डूट और जो लेड शीट वायरिंग है उससे ये, जिसको हम बैटन वायरिंग बोलते हैं, उससे ये अच्छा चीप सिस्टम है, सस्ता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग, एक स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी है, और लॉन्ग लास्टिंग इसकी लाइफ भी अच्छी है। हमने अभी क्लीट में क्या पढ़ा था, कितना लाइफ उसका हमारे पास है, ओनली 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल तक ही हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन कैन बी ईजिली डन इन दिस वायरिंग सिस्टम, इसको हम किसी भी कस्टमाइज्ड वे में, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स, हम कैसा दिखना चाहते हैं, हमें वो हम कैसा लगाना चाहते हैं, हम इसको वैसे लगा सकते हैं। इफ़ फेज एंड न्यूट्रल वायरस इंस्टॉल्ड इन सेपरेट स्लॉट्स देन रिपेयरिंग इज ईजी। अगर हम क्या करेंगे इसके, अब जैसे केसिंग है ना, तो केसिंग में 2 स्लॉट्स होंगे हमारी 2 वायर्स के लिए। अब हमारे पास वायर में 2 चीज़ें जा रही हैं, एक हमारी फेज वायर जा रही है, एक न्यूट्रल जा रही है। अगर हम न्यूट्रल को एक ग्रूव में रखेंगे, फेज को एक ग्रूव में लगेंगे, तो हमारे पास जब हम रिपेयर करेंगे ना, किसी भी वायर में फॉल्ट आ गया तो हमारे पास रिपेयरिंग ईजी हो जाएगी। स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन द फील्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन ऑफ कैपिंग एंड केसिंग, तो हमारे पास क्या है, ये लंबे समय तक रुकेगा, इसकी लाइफ ज़्यादा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन, क्योंकि इसमें इंसुलेशन इज़ वेरी प्रॉपर। इट स्टेज सेफ फ्रॉम ऑयल, स्टीम, स्मोक एंड रेन, तो ये रेजिस्टेंट होता है वाटर को लेके, ह्यूमिडिटी, स्मोक से, ऑयल से, ठीक है, स्टीम में भी नमी है उससे भी इट इज़ सेफ, क्योंकि इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन। नो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू कवर्ड वायर्स एंड केबल्स, तो इसमें क्योंकि वायर्स और केबल्स कवर्ड होते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक का कोई नुकसान नहीं होता। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ फायर इन केसिंग कैपिंग वायरिंग, क्योंकि नॉर्मली यहाँ लोगों का किस का बता रहे हैं, फॉर वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, तो वहाँ पे क्या फायर का खतरा होगा, है ना। नॉट सुटेबल इन एसिडिक एलकलीज एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस, एसिड इन केस कहीं पे है, एल्कली है, ह्यूमिडिटी कंडीशंस है, वहाँ पे अच्छा नहीं है ये वायरिंग करना। कॉस्टली रिपेयरिंग एंड नीड मोर मटेरियल, इसमें बहुत मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है इस वायरिंग को करने में, और कॉस्टली इसका रिपेयर कॉस्टली है, इनकेस कहीं फॉल्ट आ जाता है कुछ भी है तो। मटेरियल कैन नॉट बी फाउंड इजीली इन द कंटेम्प्रेरी, हमारे पास ये इजीली मटेरियल्स का फाउंड नहीं होता है, मिलता नहीं है। वाइट आइंस में डैमेज द केसिंग एंड कैपिंग और वोडिंग, तो ये हमारे जैसे सोशल, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से इसने कहा है कि एंट्स हैं जैसे, तो वो क्या होंगी और वो डैमेज कर सकती हैं केसिंग एंड कैपिंग और वुड, अगर हम वुड केसिंग एंड कैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग इन्होंने बताया, तो यहाँ पे हमारी 2 पिक्चर्स शोन हैं, जो ऊपर वाला पिक्चर देखिए, एक ग्रीन है तो एक हमारे पास डोर दिया हो। अभी जो ग्रीन केसिंग एंड कैपिंग है, इसमें यू कैन सी हमारा एक पीछे की तरफ एक केस है जिसमें से स्क्रूज पास हो रहे हैं और आगे उसका कैप दिया गया, और डोर में देखिए ये क्लीट हमारे यूज़ है, लेकिन यहाँ पे हम केसिंग एंड कैपिंग भी यूज़ किया है इसके साथ में, ये जो पीछे बड़ा स्ट्रक्चर, दैट यू कैन सी दिस वन। और वुडन केसिंग एंड कैपिंग का फिर स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है कि कैसे है, देखिए नीचे केसिंग है, केसिंग में 2 पैरेलल ग्रूव्स हैं, एक हमारा जैसे केबल जा रहा है फेज वायर नॉर्मली, और सेकंड में हमारी न्यूट्रल जा रही है, ऊपर से हमने इसको कैप लगाया एंड देन स्क्रूज से हमने इन दोनों को अटैच कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका टी जॉइंट, है ना, केसिंग कैपिंग है लेकिन टी जॉइंट में ये कनेक्टेड है, ऊपर से वायर्स जा रही हैं फिर नीचे उनको हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने ये जो बैटन है, ठीक है, ये बैटन, ये अबव जिसमें से 2 वायर्स ब्लैक पास हो रही हैं, ये हमारी बैटन आपने नॉर्मली पीवीसी देखी होगी जिसमें से हम वायर्स को पास कर रहे हैं, दैट इज़ केसिंग एंड कैपिंग। हेयर यू कैन सी द केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, हेयर यू कैन सी, ये देखें, देख रहे हैं आप केसिंग और कैपिंग वायरिंग। तो आज के लिए हमारा, हमने क्लीट और केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग पढ़ा, आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में आप, ये जो हमारा कोरोना है, हमारी बहुत सोशल लाइफ भी
इफ़ेक्ट हो गई है, पर्सनल प्रोफेशनल एवरीथिंग। आई होप इसके साथ आप कोऑपरेट करेंगे, आप अच्छे से घर में ही स्टडी करेंगे, बाकी आई विल मैनेज टू टीच यू ऑनलाइन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।